आज की इस वीडियो में आपको सादा शर्ट कटिंग करना बताऊंगा, जो नीचे से 1 इंची मुड़ाई होती है और ये सिंपल है और हेवी साइज है, जिसकी लंबाई 30 इंची है और सीना है वो 41 इंची है और पेट है वो 42 इंची है और उसका तीरा है वो है 21 इंची है और आस्तीन की लंबाई है वो 24 इंची है, 17 की कॉलर है और 9.5 के कप हैं। तो दोस्तों ये हेवी साइज की शर्ट कटिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कपड़ा लिया है, ये डबल में मैंने बिछाया है। तो देखो ये वन साइड है इधर से और ये किनार साइड है, तो ये 1.12 आ रहा है, यानी कि हम ये इसको 2.25 मीटर कह सकते हैं। तो इसको बिछाएंगे तो उल्टी साइड बिछाएंगे, इसको किनार साइड अपनी तरफ रख के इस तरीके से दोनों किनारों को मिला लेंगे और अच्छे से इसको बिछा लेंगे। ये मैंने इसको बिछा लिया है और एल स्केल लेंगे। एल स्केल लेने के बाद में यहाँ से इसको सीधा करेंगे इस तरीके से, ठीक, यहाँ से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में इसकी लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों शर्ट की लंबाई है वो 30 इंची है, तो ये हमारा 30 आ गया और 1/2 इंच ऊपर जाती है और 1 इंच नीचे, तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना होगा। कितना? 1.5 इंच। तो 31.5 पर निशान लगा लेते हैं, ठीक, 31.5 पर हम एक निशान लगा लेते हैं। यदि आप ज़्यादा नीचे से मोड़ते हो तो आप 1/2 इंच और ले लेना, मैं 31.5 ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। सीधा करने के बाद में फैशन पट्टी के लिए हम 2 इंची का छोड़ेंगे, किनार को ले लेंगे, 2 इंची का निशान लगा लेंगे। ये हमने 2-2 इंची का निशान लगा लिया। इसमें आप पट्टी हैं वो 1.25 इंची की भी लगा सकते हैं, 1.5 इंची की भी लगा सकते हैं, वो आपके गिराए के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से लगाते हो। अब इसका आर्म होल रखेंगे। तो दोस्तों इसका सीना है वो 41 इंची है, 41 इंची है, तो 41 का हम 1/4 करेंगे तो 10.25 इंची आएगा, 10.25 इंची आएगा। लेकिन हम इसको रखेंगे 9.5 इंची रख लेंगे, ठीक, 9.5 इंची रख लेंगे, 1 इंची कम कर लेंगे और फिर यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। और इसका तीरा है वो लगभग हम 2 इंची या 2.5 इंची नीचे आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा कंधा गिरा हुआ नहीं है, हष्ट पुष्ट है, तो हम 2 इंची रख लेते हैं, ठीक। और तीरा है इसका 21 इंची है, 21 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 22, 22 का आधा रख देंगे यहाँ पर 11 इंची, ठीक। ये मैंने 11 इंची और ये मैंने 2 इंची का यहाँ पर निशान लगा दिया है, ठीक। कॉलर है इसकी 17 की, तो 5वां हिस्सा रखेंगे तो 3 यहाँ लगा लेते हैं, तो 3 यहाँ लगा लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से इसकी रेंज कवर से गोलाई लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक। गोलाई लगाने के बाद में ये हमने डाउन कर दिया है और इसके बाद में इसका सीना है वो 41 इंची है, तो 41 का 1/4 करेंगे तो 10.25 और 2 इंची ऐड और कर लेंगे तो 12.5 इंची। और इसकी हिप है वो है दोस्तों 42 इंची हिप है इसकी, तो 42 का हम 1/4 करेंगे तो 10.5, 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक। और इसके बाद में यहाँ से ये आ रहा है 22, 22 का आधा करेंगे और 1.5 इंची ऊपर पेट का निशान ले लेंगे। पेट है इसका 42, 42 का 1/4 करेंगे, 10.5, 2 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, 12.5, ठीक। इसको मिलाएंगे यहाँ से तो इस तरीके से मिलाएंगे और फिर इसको इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक, इस तरीके से मिला लेंगे। और इसको हम हल्का सा पीछे की साइड में 2 सूत कम ले लेंगे, ठीक, यहाँ से 2 सूत कम कर लेंगे पीछे की साइड से और यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे अंदर की साइड में। इसको यहाँ से मिलाएंगे, मिलाने के बाद में रेंज कवर से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग, तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ।
दोस्तों ये शर्ट हैं, ये मीडियम फिटिंग शर्ट हैं दोस्तों। इस तरीके से हमें ये कट लगा लेने हैं। और अब मैं आपको बैक कटिंग करना बता देता हूं। तो इस तरीके से इसको निकाल लेना है, ठीक। जो साइड में कपड़ा बचे उसका हम तीरा कटिंग कर लेंगे। हेवी साइज है, कपड़े का बहुत ध्यान रखना है। ये हमने बिछा लिया है, और बिछाने के बाद में यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। और जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है, ये फ्रंट पार्ट काटा है, ये इस तरीके से इसको बिछा देना है यहाँ से। और नीचे से इसको आधा इंची कम बिछाएंगे, ठीक, आधा इंची कम बिछाएंगे। यदि फिटिंग हो तो पौने इंची भी इसको कम बिछा सकते हैं। और आगे के फ्रंट पार्ट को हमने 2 इंची डाउन किया है ना, तो यहाँ पर हमें आधा इंची का निशान लगा लेना है। जो हमने निशान लगाया है ना, इसको आधा इंच ऊपर रख लेंगे, ठीक। और इस तरीके से बिछाने के बाद में इसका तीरा है वो 21 है, 1 इंची प्लस करेंगे 22, 22 का आधा रख देंगे यहाँ पर 11 इंची। ये 11 इंची हमने रख दिया है। और यहाँ पर हम 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे। ये हमने 1.5 इंची का निशान लगा लिया है, और इसको यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से। और इसकी कर देनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ इस तरीके से। कटिंग कर देना है यहाँ से, ठीक। बैक पार्ट को हमें आधा इंच ऊपर रखना है, ठीक, नहीं तो हमारे को तीरा है ना वो ज़्यादा काटना होगा। और यदि हम आधा इंच ऊपर रख के कटिंग करेंगे तो हमारे को तीरा कम काटना होगा, ठीक। तो किस तरीके से कटिंग करना है ये आप देख लेना। ये मैंने कटिंग कर दी है, ठीक। और दोस्तों करना क्या होगा कि हमारी पीछे से शर्ट है वो हेवी साइज में लटक जाती है, तो हमें क्या करना होगा कि बैक साइड में लगभग आधा इंची डाउन कर लेना होगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ से बैक साइड में आधा इंची कम करके और फिर यहाँ से कटिंग कर लेनी होगी, ठीक। क्योंकि जो कॉलर के पास में जो दोस्तों सलवटें पड़ती है ना, इसका मेन कारण ये होता है, पेट वाले के जिसका पेट होता है ना वो आगे से उठ जाती है। तो हमने आगे से तो इसको लंबाई जितनी रखी है उतनी रखी है, और बैक में हमें लगभग आधा इंची या 3 सूत हमने कम कटिंग किया है, और बैक पार्ट को मैंने यहाँ से आधा इंची कम किया है, ठीक। अब दोस्तों इसका काट लेते हैं आस्तीन। तो दोस्तों एक साथ तो इसकी आस्तीन बैठेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एक एक आस्तीन कटिंग करेंगे, ठीक। एक एक आस्तीन इसकी कटिंग करेंगे। इस कपड़े को तो यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा कि ये हमारा कपड़ा है, इसको इस तरीके से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर नाखून लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। नाखून लगाने के बाद में हमने इसका आरंभ हो दोस्तों कितना रखा था, 9.5 इंची रखा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारा सीना है वो सीना कितना है इसका, 41 है, तो 41 का 10वां हिस्सा रखेंगे। तो हम ज़्यादातर लोग 3.5 इंची रखते हैं, लेकिन इसको हम 4 इंची 1 सूत रख लेंगे, 10वां हिस्सा रख लेंगे, ठीक। और यहाँ से रखेंगे हम 9.5 इंची, कितना, यहाँ से 9.5 इंची, और यहाँ पर रख लेंगे हम 10.25 इंची, जितना हमारा सीना हो उसका चौथा हिस्सा रख लेंगे 10.25 इंची। और यहाँ से हमने जितना आरमोल रखा है उतना रख लेंगे, ठीक। और आस्तीन की लंबाई है वो है 24 इंची, तो इसमें हम 2.25 के कप लगाएंगे, तो 1 इंची माइनस कर लेना है, ठीक। 24 का हम 1 इंची माइनस करेंगे, 23 पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। कप हैं वो 9.5 के हैं, 9.5 का आधा करेंगे तो 4.5, और 1 इंची हमें प्लस ले लेना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 1 इंची। तो ये टोटल दोस्तों इसको हल्का सा इस साइड में कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 4.5 चौथा हिस्सा कप का, एक कप का, और ये 1 इंची या 1.25 इंची एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक। मैंने टोटल 6 इंची लिया है यहाँ से। उसके बाद में शेफ फंटी लेंगे और इस तरीके से इसको मिला लेंगे, ठीक। इस तरीके से मिलाने के बाद में यहाँ से हल्का सा क्रॉस कर देंगे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ से हम राउंड लगा देंगे इस तरीके से, ये हमने राउंड लगा दिया है, और इसकी कर लेनी है कटिंग इस तरीके से। हम कटिंग कर लेंगे, गोलाई अच्छे से लगाएंगे इस तरीके से, और जो हमने निशान लगाया है वहीं पर कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रख लिया है, और इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। और इस साइड में हमें एक गड़ाव देना होता है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर
कटाव लगा देंगे। ठीक, ये हमने, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये इधर का बैक पार्ट है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें हम दूसरी आस्तीन कटिंग कर लेंगे। तो दूसरी आस्तीन कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। करना क्या होगा कि जो हमने कटिंग की थी ना, जो हमने कटिंग की थी वो इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर। ठीक, इस तरीके से रख देंगे, अच्छे से फैला के रख देंगे। और रखने के बाद में इसकी कर देंगे कटिंग। ये दोस्तों हमने कटिंग कर ली है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो दोस्तों फ्रंट की साइड में हमें इसका तीन हिस्सा कर लेना होगा। तीन हिस्सा करने यानी कि बैक साइड में करेंगे दोस्तों, श्योरी दोस्तों बैक साइड में करेंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से रखेंगे, रखने के बाद में इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। और नाखून लगाने के बाद में यहाँ पर जो नाखून लगाया है बैक साइड में 5 इंची का निशान लगा लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ पर हमारी चौपट्टी लग जाएगी। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा कटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों तीरा कटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। देखो ये हमारा कपड़ा है, इसकी नाक को तो हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक, ये हमने इसकी नाक को हटा लिया है और इसको हम डबल बिछा लेंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमने मोड़ लिया। मोड़ने के बाद में इस तरीके से रखेंगे इसको, यानी कि इसको पूरी को काट देते हैं किनार को। और यहां से हम ये ले लेते हैं, इस तरीके से दबाव भी रख लेते हैं हमारा लगभग आधा एक इंची का। ठीक, ये हमने रख लिया है और इसके ऊपर ये रख देंगे इस तरीके से। ठीक, ये रख दिया है। तो दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट काटा था, वो डाउन किया था, वो 2 इंची किया था। तो 2 और 2 4 इंची पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे और 4 इंची पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और 2 इंची हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या करना होगा कि देखो ये हमने 4 इंची का निशान लगाया है ना, और ये हमने 4 इंची का निशान लगाया है, लेकिन दोस्तों हमें 4 इंची का निशान हम यहाँ से लगाएंगे, जहाँ हमारा पीछे का पार्ट है ना यहाँ से लगाएंगे। ठीक, ये हमने 4 इंची लगा दिया है, उसके बाद में 2 इंची लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, ये हमारा सीधा आएगा इस तरीके से। ठीक, और ये हमारा 2 इंची का निशान है और इसका शोल्डर है वो 21 है, तो 21 में हमें 1 इंच सिलाई मार्क रखनी है। तो 22 का आधा रख देंगे यहाँ पर 11 इंची। ठीक, और ये 11 इंची आ ही रहा है। यहाँ पर लगा लेंगे हम, इसका कॉलर है वो 17 की है, तो हम 3 इंची लगा लेते हैं, 5वां हिस्सा लगाएंगे। और यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर 2 इंची लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ से 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे। ठीक, और 1.25 इंची का हम निशान यहाँ लगा लेंगे, और उसके बाद में ये हमने 1.25 से 1.25 इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। ठीक, गोलाई लगाने के बाद में इसकी कर लेनी है कटिंग। हमें ये हेवी साइज की शर्ट की कटिंग कर लेनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।